अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए हमने चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ। तो पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से तो आप वाकिफ है ना कि किसी भी अगर कोई फंक्शन गिवन है, यानी डी एफ ओवर डी एक्स, इस फॉर्म से हम फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो, अब ये वाला जो फंक्शन एफ है दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो फंक्शन एक्स वेरिएबल एक्स है दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन भी हो सकता है, वन से मोर भी हो सकता है, बट डिपेंडेंट वेरिएबल वन ही होगा, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जो फर्स्ट है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट है और एक ही इंडिपेंडेंट है, ये वाली इक्वेशन भी हमारे पास क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सिमिलरली सेकेंड देखें, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसमें भी डिपेंडेंट वन है और इंडिपेंडेंट भी वन है, तो इस टाइप की इक्वेशन को भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं। ये सारी थर्ड जो है ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे फोर्थ देखें, इसमें हमारे पास एक्स पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई इक्वल टू एन एक्स है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जेड है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या आ गए, दो आ गए। तो इस टाइप की इक्वेशन को भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोलेंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में बोला है कि ऐसी इक्वेशन विच इन्वॉल्व द वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह जो फाइव है वो भी हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन की ही एग्जाम्पल है। डिफरेंशियल इक्वेशन की तो फर्स्ट इसमें टाइप जो है वो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, एन इक्वेशन इन विच ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल अकर, देन दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वन डिपेंडेंट हो और वन ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन वन टू एंड थ्री आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें देखो, वन में वन डिपेंडेंट है, वन ही इंडिपेंडेंट है, तो ये भी हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड में भी वन डिपेंडेंट है, वन इंडिपेंडेंट है, दिस इज ऑल्सो द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली द थर्ड भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर किसी इक्वेशन में आपके पास वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो और वन से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये यहाँ पे पार्शियल है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसमें हमारे पास एक नहीं होगा, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उस इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन फोर एंड फाइव आर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम्पल। अब इसमें एग्जाम्पल फोर में देखें, एक डिपेंडेंट है और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, तो दैट्स वाई ये वाली इक्वेशन जो होगी हमारे पास क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिमिलरली इसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल यू जो है वो डिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट के आगे एक्स भी है, वाई भी और जेड है, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो हमारे पास यहाँ पे सिंबल हम डेल यूज करते हैं, या इसको हम बोलते हैं पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल वाई स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल जी स्केयर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की का ऑर्डर क्या होता है, यहां से अगर आप देखें, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अकर इन द इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। और डिग्री क्या होती है, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट अपियर इन द इक्वेशन। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जितनी पावर होती है या उसका जितना एक्सपोनेंट होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल्स की थी, यहाँ फर्स्ट में यहाँ से आप एग्जाम्पल्स देखें, ये जो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हाइएस्ट
डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इट्स मीन ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितना ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही हमारे पास इसकी क्या होती है, डिग्री होती है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी वन है और इसकी डिग्री भी वन है। अब सेकेंड देखें, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स होल पावर स्केयर है और इक्वल टू जीरो है। अब डेरिवेटिव कितना है, सेकंड डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा इक्वेशन का वो उसका ऑर्डर होगा, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की ही जो पावर होगी वो हमारे पास क्या होगी, डिग्री होगी। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, इसकी पावर कितनी है, वो वन है, तो ये वाली इक्वेशन जो होगी इसका हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, दैट इज टू, और इसकी जो डिग्री है वो हमारे पास क्या है, वन। आप इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे डेरिवेटिव जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, और हमने पावर डिग्री के लिए पावर देखनी है हाईएस्ट डेरिवेटिव की, तो दैट इज नॉट द हाईएस्ट डेरिवेटिव। सिमिलरली जो थर्ड इक्वेशन है इसमें हमारे पास, यहाँ से देख लें आप, अब यहाँ पे क्या आ गया है, 3/2 इन्वॉल्व हो गया है। अब हमने क्या करना है, 3/2 को रिमूव करना है। वो किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं, बोथ साइड्स पे पावर ले लें 3/2। मैंने ही इक्वेशन को दोबारा लिखा है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, 3/2 यानी रेडिकल में आ रहा है, यानी एक्सपोनेंट को हमने रिमूव करना है ओवर वाले फॉर्म को, तो यहाँ से क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे इस इक्वेशन का स्केयर ले लें। तो बोथ साइड्स पे स्केयर लिया, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्केयर होल क्यूब इक्वल टू डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर एंड होल स्केयर। अब इसका ऑर्डर आपने चेक करना है, तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ये वाला हाईएस्ट डेरिवेटिव आ रहा है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो गया, टू हो जाएगा। अब हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, वो भी टू है, तो इस इक्वेशन की ऑर्डर भी टू है और इस इक्वेशन की जो है डिग्री वो भी टू है, यानी इस इक्वेशन का ऑर्डर भी टू है और डिग्री भी टू है। और जो फोर्थ एग्जाम्पल है इसमें देखिए, हमारे पास इसका ऑर्डर भी वन है और इसका डिग्री भी वन है, बट जो फिफ्थ वाली है इसमें हमारे पास सेकंड ऑर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या आ रही है, वन आ रही है, तो इट्स मीन इसकी जो डिग्री होगी वो वन होगी। देखते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी लीनियर इफ इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, ए नॉट ऑफ एक्स डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन ऑफ एक्स डी एन वाई डी एन माइनस वन वाई ऑफ ओवर डी एक्स एन माइनस वन प्लस सो ऑन, ए वन ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए नॉट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स करके फंक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, ए नॉट ए एन माइनस वन ए वन ए नॉट सारे क्या हैं, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि डिपेंड करें हैं ऑन वेरिएबल एक्स पे, एक्स यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करें, तो इस टाइप की इक्वेशन जो होगी वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी, अगर वो ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटिस्फाई करे, द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑफ द फर्स्ट डिग्री, यानी इस इक्वेशन में हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं वो हमारे पास कितने डिग्री के होने चाहिए, फर्स्ट डिग्री के होने चाहिए, यानी उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो उसकी पावर जो है वो वन होनी चाहिए, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। सेकेंड इसमें क्या कंडीशन है, ईच कोफिशेंट डिपेंड्स ऑन ओनली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, यानी जो सारे कोफिशेंट है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पर ही डिपेंड करने चाहिए, यानी ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है इसमें हर कोफिशेंट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पर ही डिपेंड कर रहा है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई हैं और जो उनके साथ में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सारे क्या हैं, डिग्री वन, उनकी जो डिग्री है वो वन है, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और जो इक्वेशन लीनियर नहीं होती उसको हम नॉन लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लें, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये वाली इक्वेशन भी जो है क्या है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, या यहाँ से आप देख लो, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव एक्स इक्वल टू ई एक्स, ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास थर्ड ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन है। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इस इक्वेशन का थ्री है, और हर हाईएस्ट डेरिवेटिव हर की जो पावर है वो वन आ रही है हमारे पास, यानी इसकी डिग्री जो है वो वन आ रही है, तो इट्स मीनिंग लीनियर होगी। और कितने ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन है, ये थर्ड ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन है, और फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और सेकंड कंडीशन क्या थी कि ईच कोफिशेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें हर कोफिशेंट जो है यहाँ पे जो ए नॉट ए वन ए थ्री थे वो हमारे पास क्या, सपोज कर लें वन ले लें, टू ले लें, थ्री ले लें, यहाँ पे भी ए नॉट वन है, यहाँ ए वन वन है, ए टू यहाँ पे थ्री है, एंड ए फोर जो है यहाँ पे फाइव है, सारे कोफिशेंट जो है वो एक्स पर डिपेंड कर रहे हैं, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन।
जो लीनियर इक्वेशन नहीं होती वो हमारे पास क्या होती है, नॉन लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन में आप थर्ड कंडीशन इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि अगर उसमें आपके पास कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, यानी लीनियर इक्वेशन में आपके पास कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ वाई जो है और उसका डेरिवेटिव जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ई एक्स जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर यहाँ पे ई वाई आ जाता है ठीक है, तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जानी थी, नॉन लीनियर बन जानी थी, अगर ई वाई आ जाता है ई एक्स के साथ, दैट्स ओके ठीक है। तो अब ये एक इक्वेशन गिवन है y y डबल प्राइम माइनस टू वाई प्राइम इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे आप देखें y और y डबल प्राइम जो है प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और साथ में उसकी कोई भी प्रोडक्ट, उस फंक्शन की जो प्रोडक्ट है वो अपीयर नहीं होनी चाहिए। नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डिपेंडेंट वेरिएबल शुड अपीयर। अगर प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इन्वॉल्व, देन दैट इक्वेशन बिकम्स अ नॉन लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली ये वाली जो इक्वेशन है डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू प्लस वाई स्केयर, अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ गया, हर डिपेंडेंट वेरिएबल की तो पावर हमने कहा है कि डिग्री हमेशा वन होनी चाहिए, अब यहाँ पे डिग्री क्या होगी, टू होगी, तो इट्स मीन ये भी हमारे पास क्या है, ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन बन गई ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको सब कुछ। तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 9.1 है इसका आपने क्वेश्चन वन सॉल्व कर लेना है, इसमें आपने बताना है कि डिग्री कितनी है, ऑर्डर कितना है इक्वेशंस का ठीक है। ये 9.1 का क्वेश्चन वन है, इसके ये फाइव पार्ट्स हैं, ये आप लोगों ने कर लेने ठीक है। ओके थैंक यू सो मच।